इसका मतलब यही तो होता है कि बिना पढ़े बिना लिखे हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो आज का जो हम लोग का ट्रिक है एक्सप्लेनेशन ट्रिक, आप लोग को जैसा कि थंबनेल में देख चुके होंगे, तो अगर आज के ये वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो आज एकदम आज के आज और 10 से 15 मिनट के वीडियो में एकदम मुट्ठी में 8 मिनट 8 नंबर का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे हमेशा हर बार 8 नंबर का पूछता ही पूछता है, एकदम मानिए तो ये वायरल क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछता ही है यहाँ से 8 नंबर का। एक पोएट्री सेक्शन से पूछता है और एक प्रोज सेक्शन से। क्वेश्चन कोई भी हो आंसर आज हम लोग एक ही देखेंगे, क्वेश्चन कोई भी हो आंसर एक ही देखेंगे, इसे ही तो हम लोग ट्रिक कहते हैं। यानी कि ट्रिक का मतलब होवे करेगा क्या, तो ट्रिकली संग्रह। तो जहां आप लोग अगर आ गए हैं वहां अब आप लोग को कहीं जाने का वहां से जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम लोग वीडियो में आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, तो एक्सप्लेनेशन ट्रिक समझेंगे। और यह वीडियो एकदम अगर पूरा देख लेते हैं तो कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, और 8 नंबर में मतलब कि कोई दाग लगने वाला नहीं है। और इस जैसे हम ट्रिक बताएंगे अगर पूरा इस ढंग से लिख देते हैं, क्वेश्चन कोई भी रहेगा आंसर हमारा एक ही रहेगा, ठीक है। अगर पूरा इस ढंग से लिख देते हैं तो कोई माइक के लाल के टीचर के दम नहीं है कि आपको नंबर काट लेगा। तो चलिए हम लेट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर हमारा ट्रिक है क्या। तो देखिए आप लोग एक्सप्लेनेशन ट्रिक की अगर बात करेंगे तो देखिए एक्सप्लेनेशन ट्रिक में हम लोग को दो क्वेश्चन आता है, एक आता है पोएट्री सेक्शन से और दूसरा आता है प्रोज सेक्शन से। तो समझिए क्वेश्चन कोई भी रहे उससे हम लोग को मतलब नहीं है। देखिए जैसे क्वेश्चन एक आपका दे रहेगा कि इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, यस्ट नाइट द सन वेंट हेंस एंड एट इज हियर टुडे, इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और इसको बोलेगा कि इसके बारे में आप विस्तृत मतलब जानकारी दीजिए। तो देखिए यहाँ से आप लोग को जानकारी देने के लिए आप लोग को मात्र दो चीज की जरूरत होना चाहिए कि यह लाइन कहाँ से लिया गया है और इसके लाइन के मतलब कि राइटर कौन है, मतलब कि इस लाइन के राइटर कौन है, मतलब किस चैप्टर से लिया गया है वो पता होना चाहिए कि कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है वो पता होना चाहिए पहला नंबर पर। और दूसरा नंबर पर हम लोग को पता होना चाहिए कि उसका क्या है, तो उसके लेखक कौन है यानी कि राइटर कौन है, राइटर कौन है, इस दो हम लोग को बात जानना चाहिए इसमें। तो चलिए हम लोग समझते हैं दोनों चीज भी हम आज के वीडियो में बताएंगे। तो चलिए लेट नहीं करते स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग को अगर बात करेंगे इसमें कि कहाँ से लिया गया है इसको पता करना है, तो देखिए इसमें कहाँ से लिया गया है, तो देखिए अगर ओल्ड इंग्लिश के नाम सुने होंगे, जैसे ओल्ड इंग्लिश के नाम सुने होंगे तो जितना भी ओल्ड इंग्लिश के है, देखिए ये ऐसे लिया गया है कहाँ से, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, ये आपका चैप्टर का नाम है वहीं से लिया गया है। कैसे हम पहचाने कि वहां से लिया गया है, तो देखिए अगर कहीं भी आप लोग को ओल्ड इंग्लिश का शब्द दिखाई दे दे, कहीं भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड दिखाई दे दे, ओल्ड इंग्लिश में क्या क्या रहेगा, तो ओल्ड इंग्लिश में देखिए क्या रहेगा, जैसे ही लिखा रहता है एच ई से, लेकिन वहां ओल्ड में क्या रहेगा, तो डबल ई लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए गो लिखा रहता है जी ओ से, वहां क्या लिखा रहेगा, तो जी ओ ई लिखा रहेगा। एम मी लिखा रहता है क्या से, तो एम ई से, लेकिन यहाँ कुछ रहेगा एम डबल ई करके लिखा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में दिखाई दे देवे तो ये सब क्या होता है, तो ये सब के सब हमारा क्या होता है, तो सब के सब हमारा ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। तो जब भी कभी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड दिखाई दे देवे तो कहाँ से लिया गया है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। और उसके राइटर कौन है, तो उसके राइटर की बात करें तो उसके राइटर है जॉन डन। और कौन सा चैप्टर के कौन सा राइटर है इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो या तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, एकदम फनी वीडियो है, एकदम हंसते खेलते कूदते खाते देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ठीक है हम लोग अब लेट नहीं करते और आगे समझते हैं। तो यहां तक तो हम लोग को पता चल गया कि क्या है, तो ये हम लोग को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा सन, क्या है सन में, सन के मीनिंग होता है क्या, सन का मीनिंग होता है एस यू एन, लेकिन यहाँ डबल एन लिखा है और ई लिखा हुआ है, तो डबल जब भी आ जाए वो हमारा क्या होगा, तो हमारा ओल्ड इंग्लिश वाला हो जाएगा, और ओल्ड इंग्लिश जब भी आ जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इतना तो पहचान गए कि कहाँ से लिया गया है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। अब समझते हैं कि इसका राइटर क्या है, तो इसके राइटर भी बता दिए कि इसका राइटर है जॉन डन। तो देखिए अब हम लोग ट्रिक पाते हैं कि इसको हम लोग एक्सप्लेन
कैसे करेंगे, एक्सप्लेन किस प्रकार से करेंगे, किस ढंग से करेंगे। तो देखिए एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहला लाइन हम लोग लिखेंगे क्या, तो इसमें पहला लाइन लिखेंगे कि दिस गिवन लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम पोएट्री। देखिए ये पोएट्री सेक्शन से है, जैसे क्वेश्चन में आप लोग को दिया रहेगा पोएट्री से अप्रोच से दिया रहेगा, तो क्वेश्चन में कुछ भी रहे प्रोज से रहे या पोएट्री से, दोनों तो लिखना है, लेकिन जब भी पोएट्री से लिखेंगे तो पोएट्री यहाँ लिख देंगे और प्रोज रहेगा तो यहाँ प्रोज हम लोग लिख देंगे। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि दिस गिवन लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम पोएट्री सेक्शन ऑफ आवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक रेनबो। यानी कि हमारा जो यह पंक्ति जो दिया गया है हमारा कविता पाठ यानी कि कविता से लिया गया है, कविता सेक्शन से लिया गया है और इंग्लिश पाठ के मतलब कि रेनबो बुक के जो है इंग्लिश किताब के रेनबो बुक के हम लोग कहाँ से, तो कविता सेक्शन से लिया गया, ये हम लोग को इस लाइन में बताया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि दिस गिवन लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम पोएट्री सेक्शन ऑफ आवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक रेनबो। यानी कि जो यह पंक्ति दिया गया है, जो यह लाइन दिया गया है, ये हमारे रेनबो इंग्लिश के जो किताब है उसके पोएट्री सेक्शन से लिया गया है, ये हमारा लाइन बोल रहा है। अगर आगे हम लोग अगला लाइन बात करेंगे तो ये हम लोग को ई लाइन जो बताया इस सब में लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन रहेगा लिख सकते हैं। अगर प्रोज से रहेगा तो हम लोग यहाँ प्रोज केवल लगा देंगे, सब तो रेनबो ही से लिया गया है। तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन बोले ना, क्वेश्चन कोई भी रहे आंसर मात्र हम लोग को क्या रहेगा तो एक ही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग को लाइन क्या लिखना है, तो अगला हम लोग को लाइन लिखना है कि इट इज टेकन फ्रॉम, अब यह कहां से लिया गया, तो यह हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। शुरू में बताया कि कहां से लिया गया है, तो जैसे हम लोग को दिखाई दे दिया डबल वाला यानी कि ऑल इंग्लिश वाला दिखाई दे दिया, हम लोग जान गए कि कहां से लिया गया, तो ये आपको लिया गया है कहां से, तो लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो यहां हम लोग को लिख देना है क्या कि स्वीटेस्ट इट इज टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई से लिया गया है, कहां से लिया गया है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई से लिया गया है। तो इस प्रकार हम लोग लिख देंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई से लिया गया है, इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। अगर अगला हम लोग लाइन बात करेंगे तो अगला हम लोग का लाइन क्या है, तो देखिए आगे हम लोग लाइन समझते हैं। तो देखिए अगला हमारा लाइन क्या है, अगला हम लाइन क्या है कि इट हैज बीन कंपोज्ड बाय अ ग्रेट पोएट। अब समझिए कौन ग्रेट पोएट नहीं होता है, तो ऐसा ऐसा लाइन लिया ना जो सब में काम आएगा, कोई भी क्वेश्चन है सब में काम आएगा। तो इट हैज बीन कंपोज्ड बाय अ ग्रेट पोएट, अ ग्रेट पोएट कौन ग्रेट पोएट नहीं रहते हैं, और ग्रेट पोएट हमारा यहाँ क्या है स्वीटेस्ट लव का, तो जॉन डन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जॉन डन के बारे में लिख देंगे। उसके बाद अगला हम लोग का क्या लाइन है कि द पोएट सेज डैट, अब इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं, द पोएट यानी कि कवि कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, अगर कुछ जान रहे हैं तो तब तो ठीक है, अगर नहीं जान रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर नहीं जान रहे उसका भी समस्या है। ठीक का मतलब यही तो होता है कि बिना पढ़े बिना लिखे हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को, तो उसके बाद नहीं अगर जान रहे हैं तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी क्वेश्चन को पूरा का पूरा उठाना है और यहाँ पे क्या कर देना है, तो यहाँ पे उसी क्वेश्चन को बैठा देना, बस कुछ नहीं करना है, ये हमारा ट्रिक हुआ। आगे बढ़ते हैं, तो अगला हम लोग क्या लिखेंगे आगे, तो आगे हम लोग लिखेंगे, देखिए आगे हम लोग क्या लिखेंगे, आगे अगर बात करेंगे लिखने के लिए तो देखिए क्या हम लोग लिखेंगे, आगे हम लोग इसके बाद लिखेंगे कि लास्टली यानी कि अंततः, अब अंत में आ जाते हैं, अंततः अंततः हम लोग क्या बात करना है, अंततः हम लोग बात करेंगे कि इन दिस लाइन द पोएट हैज ऑलवेज एक्सप्रेसिंग हिज वर्ड्स इन इफिशियंट वे। अब समझिए इस लाइन में क्या कहा है कि इस जो लाइन है इसमें क्या कहा है, पोएट यानी कि कवि कह रहे हैं हमेशा ऑलवेज एक्सप्रेसिंग His word, मतलब अपने शब्दों को क्या कर रहे हैं इस पंक्ति में जो है कवि अपने शब्दों को ऑलवेज एक्सप्रेसिंग यानी कि हमेशा एक्सप्रेसिंग हिज वर्ड इन इफिशियंट वे यानी कि अपने शब्दों को एकदम प्रभावित ढंग से एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो एकदम प्रभावित ढंग से क्या कर रहे हैं एक्सप्रेसिंग कर रहे हैं, मतलब कि प्रभावित ढंग से बतला रहे हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो कौन अपने
पोएट जो होगा या राइटर जो होगा अपने शब्द को एकदम एक्सप्रेस ढंग से नहीं बदलेगा, तो सब में ही लाइन लिख चल सकता है। ऐसा ऐसा बोले ना कि लाइन लिए है जो सब में चलेगा, क्वेश्चन कोई भी रहे सब में चलेगा। तो चलिए अगला हम लोग बात करेंगे, तो अगला हमारा लाइन क्या है कि ही इज ऑलवेज लिवली इन हिज वर्ड्स, यानी कि जो कवि जो है हमेशा अपने वर्ड को जीवित रखा है, मतलब कि हमेशा अपने वर्ड को एकदम दिखाया है साक्षात, कि एकदम जो है ना एकदम साक्षात वर्ड है, मतलब कि साक्षात रूप से दर्शाया है। इस प्रकार से हम लोग इस लाइन को भी लिख सकते हैं सब में, क्वेश्चन कोई भी रहे। और लास्ट हमारा लाइन क्या है कि दिस प्रेजेंटेशन इज वेरी कमेंडेबल, यानी कि जो हमारा प्रस्तुति है बहुत ही कमेंडेबल है, यानी कि सराहनीय है। इस प्रकार से हम लोग पूरा का पूरा बतला सकते हैं, और इस प्रकार से हम लोग ट्वीट के साथ इसको बतला सकते हैं। तो देखिए इसको हम छोटा कर देते हैं।